जुलाई 2022 गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी द्वारा बी एड एंट्रेंस टैसट जो कंडक्ट किया गया उसका टीचिंग पोटेंशियल द पार्ट 30 क्वेश्चन ने ये सिर्फ 3-4 क्वेश्चन इस तरह ने जिहड़ा प्रिंट थोड़ा फिक्का दिसेगा अगे अच्छे दिसणगे सो घबराना नहीं है मैं इसलिए उच्ची पढ़ देवगा। फस्ट क्वेश्चन है साढ़े को अच्छा इस वीडियो से लर्न की करना है जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन रिपीट होवे मैं नाल दसांगा कि केड़ा क्वेश्चन कितों चक्या गया है UGC चो केड़ा क्वेश्चन चक्या गया है ते उदे नाल रिलेटेड ही वीडियो जेड़े मैं पेपर सैट प्रैक्टिस सैट तैयार किए ने टीचिंग पोटेंशियल दे ओ इसे दे बेस ते इसे दी गाइडलाइन ते ही किए जाते हैं। फस्ट है इन डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया स्कूल शुड कॉन्सनट्रेट ऑन पहला ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड्स ऑफ फेस हर्डल ऑफ डेली लाइफ रोजाना जीवन दियां रुकावटां दा सामना करन लई गुणां दा विकास इत्थे अच्छा की है कि रोजाना ये पॉजिटिव है ये नैगेटिव नहीं है। दूसरा जे पॉजिटिव है तो की इस नूं स्वीकार कर लेना चाहिए है फिर ये देखना है कि कोई ऑप्शन है इन्नी गल कर रहा है कोई ऑप्शन जिंदगी दी एड्डी वड्डी गल कर रहा है कोई ऑप्शन जिंदगी दी ज़्यादा वड्डी गल कर रहा है। सो एजुकेशन का दायरा वड्डा हुंदा है इसलिए सानू नाल नाल ये देखना पड़ेगा कि केड़ी कॉम्प्रीहेंसिव ज़्यादा स्टेटमेंट ऑप्शन है। डिवेलपमेंट ऑफ ट्रेट ऑफ गुड सिटीजनशिप इत्थे गुड सिटीजनशिप चंगी नागरिकता दे गुणा दा विकास करना ये भी बिल्कुल ठीक है कॉम्प्रीहेंसिव है सिर्फ डेली लाइफ नालों गुड सिटीजन है। गुड सिटीजन जो असीं गल करते हाँ तो सोसाइटी दी नाल नेशन दी नाल गल आ जाती है सो ये ज़्यादा पॉजिटिव है ये इस तो काफ़ी कॉम्प्रीहेंसिव है इसनों सब तो वड्डा इत्थे रखा जा सकता है। इनकलकेशन ऑफ वैल्यू चैरिश्ड इन बाय कम्यूनिटी हुन जो वैल्यूज कम्यूनिटी ने दित्तियां हन कि वो लैन दे नाल साढ़े इंडिविजुअल का अपना विकास देखो एक अपना विकास है दूसरा सोसाइटी का विकास है तीसरा दोनों का विकास है। डिवेलपमेंट ऑफ ट्रेड्स ऑफ गुड सिटीजनशिप विच इंडिविजुअल का भी विकास है सोसाइटी का भी विकास है दैट इज़ वाई बी ऑप्शन नू डबल टिक लगा रहा हाँ मैं ज़्यादा टिक लगा रहा हाँ और ए ते सी नू थोड़ा पिछे रख रहा हाँ। प्रेपरेशन फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस सारे ही ऑप्शन जिहड़े ने UGC नैट विचों लिया गया क्वेश्चन है दैट इज़ वाई सारे ही ऑप्शन पॉजिटिव ने लेकिन उसी बेस्ट आंसर कढ़ना है। हुन प्रेपरेशन फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस अकादमिक उत्तमता की तैयारी करानी एजुकेशन का पर्पज सिर्फ अकादमिक मतलब मार्क्स ज़्यादा ले लेने जां टेक्सट बुक चो पाठ ज़्यादा लर्न कर लेने ये सिर्फ नहीं है एक सिर्फ एक हिस्सा है सो कॉम्प्रीहेंसिव सब तो ज़्यादा है गुड सिटीजनशिप। सो असी इस क्वेश्चन तो यह सीखा कि जेकर राइट आंसर सारे मिलते हैं तो सब तो ज़्यादा कॉम्प्रीहेंसिव तो पॉजिटिव जिहड़ा है उसनू चुनना है चुनिया किदा जा सकता है एक दूजे नाल कंपेयर करके जिदा इत्थे असीं कीता है। दूजा क्वेश्चन है 32वां द मेन परपज ऑफ पेरेंट टीचर एसोसीएशन किसी भी स्कूल दे विच पेरेंट टीचर एसोसीएशन का मुख्य उद्देश की है। नंबर एक कीप द स्टूडेंट चैक कंट्रोल विद्यार्थियों ते कंट्रोल नियंत्रित रखना कंट्रोल थोड़ा जहा नैगेटिविटी वाल जी नवी फिलोसफीज आ रही कंस्ट्रक्टिविज़म आ रहा है कंट्रोल जिहड़ा है एक्सटरनल है जे जो कंट्रोल एक्सटरनल है बाहरी है तो वह नैगेटिव है उन्हों क्रॉस करना है। जे कंट्रोल इंटरनल है इंटरनल कंट्रोल केड़ा है कि जिहड़ा स्टूडेंट है वह सैल्फ नू खुद नू कंट्रोल कर रहा है वह खुद पहचान रहा है चंगा की है माड़ा की है तो चंगे नू फॉलो करता है। इत्थे की है एक्सटरनल कंट्रोल ते मम्मी पापा टीचर हैडमास्टर वो कहिंदे ने कि आ ठीक है आ गलत है शायद वह बच्चे नू ना लगता होवे कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज दे विच बच्चा पहला एक्सपीरियंस करता है उन्हूं पता लगता है कि आ ए एक्शन करन ते आ नुकसान होया है मेरा ते होर किसे दा ते अगे तो मैं नहीं करांगा हुण दिलों करेगा ये इंटरनल कंट्रोल होगा। सो कंट्रोल है लेकिन सैल्फ वाला ज़्यादा जरूरी है इस तरह की ऑप्शन अगे पूछी जा सकती है। सो
ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਟਰਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੀ ਐਸ ਟੈਟ ਸੀ ਟੈਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਨੈਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਸਟ ਫਿਲੋਸਫੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਉਹੀ ਫਿਲੋਸਫੀਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਲਗਭਗ। ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਇਨ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਸਕੂਲ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਕੁਲੈਕਟ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਫੰਡਸ ਫੋਰ ਰਿਮੀਡੀਅਲ ਟੀਚਿੰਗ, ਉਪਚਾਰਾਤਮਕ ਅਧਿਆਪਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨੇ। ਦੇਖੋ, ਉਪਚਾਰਾਤਮਕ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਰੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਸ਼ਾਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਸਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਰੀਡਿੰਗ ਐਕਸਟਰਾ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਲਾਸ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3-4 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਲਾਈ ਗਈ ਇਹ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਵਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1, 2, 3 ਉਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ। ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਕਨੈਸ ਸੀ, ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਡਿਸਆਰਡਰ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਮੀਡੀਅਲ ਟੀਚਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਰਿਮੀਡੀਅਲ ਟੀਚਿੰਗ ਗੁੱਡ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਰਿਮੀਡੀਅਲ ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਫੰਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਸ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟ ਟੀਚਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਨੈਟ 'ਚੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਨੈਟ ਦੇ ਕੁਸ਼ਚਨਾਂ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਨੀਚੇ ਲਿੰਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਟੈਸਟ, ਬੀ ਐਡ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ। ਸ਼ੇਅਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸਡ ਬਾਏ ਸਕੂਲ, ਹਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸਡ ਬਾਏ, ਇਕੱਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਿੰਗ ਨਾਲ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਜੇ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੈ ਰਿਮੀਡੀਅਲ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਫੰਡਸ ਹੈ, ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਟਤਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਕੰਟਰੋਲ, ਔਰ ਅਤੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਹੈ, ਗੋਲ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਓਕੇ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ, ਕੰਟਰੋਲ ਪਰ ਦੋ ਨੇ, ਇਹ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਉਸਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਗੁੱਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਡ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਸਲੀ ਏਮ ਤੋਂ ਹਜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਕੁਛ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਲਾਸਟ ਗੋਲ ਅਚੀਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਰਿਮੀਡੀਅਲ ਟੀਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫੰਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਉਸਨੂੰ ਲਗਭਗ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਨਿਊਟਰਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫੰਡਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੀਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਰਡਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਰੇਂਜ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਨ ਆਰਡਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੋਰੀ ਹੇਠਕਿਆਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਧਿਆਪਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਵਸਥਿਤ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਿੰਟ, ਬੈਸਟ ਹਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਚਾਨਣੀਆਂ ਹਨ। ਚਲੋ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਹਾਂ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਚਾਨਣੀਆਂ ਹਨ। ਨੰਬਰ 1, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਗੋਲ, ਮੰਨ ਲਓ ਓਬਜੈਕਟਿਵ, ਮੰਨ ਲਓ ਏਮ, ਮੰਨ ਲਓ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਏਗੀ, ਔਰ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ, ਫੀਡਬੈਕ, ਫੀਡਬੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਵੇ, ਫੀਡਬੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੀਡਬੈਕ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਕੀ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੀ ਹੈ,
ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੂੰ ਰਿਟੇਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਹ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਰਦਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋਏਗੀ ਫਰਦਰ ਐਕਟ ਹੋਏਗਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਲਈ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਗੋਲ ਏਮ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਆਰਡਰ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਸਟ ਜਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਆ ਰਿਲੇਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਨੌਲੇਜ ਵਿਦ ਦੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਨੌਲੇਜ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਈਏ ਜੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਪੀ ਕੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਨੌਲੇਜ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਰੀਟੀਚਿੰਗ ਫਾਰਮੂਲੇਟਿੰਗ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਰੀਟੀਚਿੰਗ ਫਾਰਮੂਲੇਟ ਓਬਜੈਕਟਿਵਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜ ਇਸਨੂੰ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰੀਟੀਚਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੰਨਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਇਹ ਜਾਂ ਲਾਸਟ ਜਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਆਏਗਾ ਔਰ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਗਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੰਬਰ 1 ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ਰਿਜਿਡ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਲੇਕਿਨ ਐਂਡ ਜਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ ਤੇ ਹੀ ਆਏਗਾ ਇਹ ਐਂਡ ਮਤਲਬ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਜਾਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਹੀ ਆਏਗਾ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਰਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੈ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ 2 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਓਬਜੈਕਟਿਵ 4 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਦੇਖੇ 4 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ 1, 2, 3, 4 ਇਹ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਸਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਟਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਫਿਰ 4 ਆ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਆਇਆ 5 ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਓਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਿਹਾ 2 ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਫਾਰਮੂਲੇਟਿੰਗ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਫਿਰ ਆਇਆ 1 ਰਿਲੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਨੌਲੇਜ ਔਰ ਫਿਰ ਆਇਆ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਓਕੇ ਔਰ ਫਿਰ ਆਇਆ 2 ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਫਿਰ ਰੀਟੀਚ ਜੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਓਕੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਓਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਇਹ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ ਓਕੇ ਉੱਧਰੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਨੌਲੇਜ ਬੱਚੇ ਦੀ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ ਆ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਰਨਾ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਾਂਗਾ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਕੇ ਜੋ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲੀ ਹੈ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਟੀਚ ਕਰਾਂਗਾ ਪੰਜਵਾਂ ਨੰਬਰ ਦੂਜਾ ਸਾਈਕਲ ਇੱਥੇ ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਈਕਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ ਓਬਜੈਕਟਿਵਸ ਤੋਂ ਏਮਸ ਤੋਂ ਗੋਲ ਤੋਂ ਇਧਰੋਂ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵਾਜ਼ ਰਿਮੂਵਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਲਿਸਟ ਆਫ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਇਨ ਦੀ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਨ ਦੀ ਈਅਰ ਆਫ 78 ਬਾਏ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੀ ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 1978 ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ 78 ਹੈ ਇਦੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਬਜਾਏ ਰਿਮੂਵ ਸ਼ਬਦ ਸੈਂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਰੀਮੂਵ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ 4 ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ 2 ਵਾਰ ਬਸ ਕਿ 44 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਦੇਖਿਆ 44ਵੇਂ ਵਾਲਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਮਰੀ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਨੁਕਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਮਰੀ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਲਈ ਵੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲਈ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਟੂ ਫਰੀ ਐਂਡ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਮੇਡ ਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ
ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय, बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है। बच्चों को मुफ्त से लाजमी सिक्ख्या किस सोध राही मौलिक अधिकार बनाया गया सी, केड़ी सोध दे विच, है ना। ये मैं एक वीडियो भी इस पर बनाई हुई है जिदे विच इत्थे इत्थे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट एक इस तरह लिखा सी, इस तरह लिखा सी, इस तरह लिखा सी, ए कि इस आर्टिकल विच है, ठीक। और नाल की लिख लिया कि कदों बनिया सी आर टी ई एक्ट 2009 विच, और इस आ दो जीरों का मैं बना लिया इदा जोड़ के आठा, ओके, इस आठे नु सीधा किया और छे नाल लिख दिता 86वीं अमेंडमेंट दे नाल। और 2010 विच बनिया अप्रैल 2009 विच बनिया 2010 नु इसनु लागू किया गया। ये क्वेश्चन बहुत, चारों क्वेश्चन बड़े ज़्यादा पूछे जाते हैं। इस तो पहला ये कित्थे सी जी, ये आर्टिकल 45 विच सी, और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल सी, और ये पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का फोर्थ सी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होंगे, बहुत ज़्यादा। सो यहगा राइट टू चिल्ड्रन, और राइट टू चिल्ड्रन ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट, जिसनों आर टी ई एक्ट भी कहने हैं। इसके फुल फॉर्म भी इस तरह पूछी जाती होंगी है। नैक्सट है आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इनकलूड विच ऑफ द फॉलोविंग राइट्स, भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 विच केड़ा मूल अधिकार आता है, संविधानक उपचारा का अधिकार, शोषण का अधिकार, बोलण के प्रगटावे का अधिकार, धर्म की आज़ादी का अधिकार। देखो जो 19 आया है, ये देखो इतने लिख के वड्डा सारा लिख के तुहानू समझाउण लगा हाँ कि मैं एक वीडियो वैसे वो सैपरेट बनाती हैं, कट्ठिया भी बना दाँगा कि जिस विच सारे आर्टिकल है, लर्न किदा, वेरी ईजी लर्न किदा करने हैं, ये उदों का लर्न है। मैनू थोड़ा जहा इस वड्डा करन लगा हाँ, ये है ये देखो ये लेने हैं, ये है 19, ये है 19, ओके 19। सो 19 मैनू लगता है कि ये जो 19-9 नहीं है, ये एक शख्स है, और ये शख्स दिया दो अखा हैं तो एक मूँह है, तो ये एग्जैक्ट बोल रहा है। जो बोल रहा है इट मीनस ये फ्री है, फ्री टू स्पीक, ओके, एक्सप्रैस कर सकता है। सो इन्ना कुछ लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है, जदों ही 19 सामने आया नाल ही वो बोलता नज़र आ गया। सो एक्सप्रैशन का है, राइट आंसर इज राइट टू फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रैशन। 37th क्वेश्चन है, वट आर द क्लासेज इन विच कवर द प्रेपरेटरी स्टेज न्यू एजुकेशन पॉलिसी, प्रेपरेटरी स्टेज अकॉर्डिंग टू एन ई पी 2020 न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर। पूरा वीडियो इस पर पाया हुआ है, होर वीडियो भी है उस पा देना है। सो केड़ी है, सो शुरू कितों होंदा है, शुरू होंदा है फाउंडेशन तो, नी तो, ये याद रखने का तरीका सी, फाउंडेशन तो। जे फाउंडेशन है तो नैचुरली है वो पहलियाँ क्लासा वो आ गई, फाउंडेशन तो बाद प्रैपरेटरी है, बाकी मिडल तो सानू पता ही सी, मिडल तो हुण भी पता है, और सैकेंडरी सानू पता है कि वो जड़ी है 9वीं तो 12वीं तक हुण वधा के कर दित्ती गई है सैकेंडरी, सैकेंडरी, ओके। ए मिडल है जे दिखनी भी है तो इसकी वो देख सकते हाँ, सौखा हो जाएगा। सो आंसर सानू फाउंडेशन असी करती हैं क्लासा, पहले वाली क्लास नहीं होएगी आ, नहीं होएगी, है ना, उतले वाली मिड च आ रही बचती आ, ए इस तरह राइट आंसर लभ्या जा सकता सी। सो जिहड़ा है फाउंडेशन, है ना, इनू दो भागां च वंडिया गया है, 3 साल पहले प्री प्राइमरी दे, प्री स्कूलिंग दे है, ठीक है, जिन्हों आंगनवाड़ी ज बाल वाटिका कह दिता गया 3 साल, फिर पहली तो दूजी क्लास इस शामिल है फाउंडेशन, इट मीनस 2 क्लासा इतने तक है। फिर फाउंडेशन प्रैपरेटरी, ये प्रैपरेटरी आ गया, ये 3री 4थी 5वीं 3 क्लासा है, स्ट्रक्चर इस तरह बनता ना, पहला आ गई 5, फिर आ गई जमा 3, और फिर मिडल विच भी है ना 6वीं 7वीं 8वीं प्लस 3, और फिर 4 9वीं 10वीं 11वीं, ये स्ट्रक्चर बनता है। वापस चलते हैं, इसनों रब करते हाँ, मैं डर दी रब रब कर दी, ए लो लोग कह द नेम ऑफ यशपाल कमेटी रिपोर्ट 93। वैसे ही मान लो पता नहीं है सानू, तो ये देखो कि सियाने बंदे नू अपॉइंट किया गया है, तो बहुत
कॉम्प्रीहेंसिव सूझवान शब्द होंगे तो ये लगते हैं ऑप्शन की है नन ऑफ दीज है लर्निंग थ्रू ब्रॉडकास्टिंग ये कॉम्प्रीहेंसिव है ICT इन टीचर एजुकेशन यशपाल कमेटी के इतने बैठी से चलो इतने नहीं लिखा लर्निंग विदाउट बर्डन कितना प्यारा टाइटल है लर्निंग विदाउट बर्डन बोझ तो मुक्त वाली सो सब तो वधिया नु चुन लो वो ही राइट आंसर होएगा रिव्यू कमेटी सी है इसने कंटेंट हुण भी कंटेंट नु 70% 30% कंटेंट घटाया जा रहा है 2020 दी पॉलिसी तो बेस ते इफ द मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास आर वीक यू शुड नॉट केयर अबाउट द इंटेलिजेंट स्टूडेंट देखो देखो टीचर टीचिंग पोटेंशियल तुसीं कर्म करना एक्टिव रहना पैसिव नहीं होना दूजे ते जिम्मेवारियां नहीं सोचनियां दूजे नू ब्लेम नहीं करना और न्यूट्रल नहीं रहना करना है ये सारिया आइटम डिलीट ये सारिया ऑप्शन डिलीट कर दियो हुण ये कहिंदे नॉट केयर इन्ना ही बहुत है केदी नहीं ये इहदी दिखण दी टीचर ने केयर करनी ही करनी है केयर टेकर है वो कीप योर टीचिंग स्लो एंड सम एक्स्ट्रा गाइडेंस टू ब्राइट पीपल देखो डिफरेंशिएशन आ गया ना स्लो वेरी मैं मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन कराना है मैं काफ़ी स्लो चल रहा हाँ क्योंकि मैं खुद भी कमज़ोर हाँ मतलब वीक हाँ मेरा अकेडमिक रिकॉर्ड बड़ा पुअर है तो ये मैनू पता है कि जो टीचर स्लो हो जाता सी मैनू समझ आना शुरू हो जाता सी सो जिहड़े बच्चों की मैथमैटिकल बैकग्राउंड नहीं है मेंटल एबिलिटी नहीं सॉल्व की उन्हां लई करके मैं थोड़ा जिहा हौली कर देना हालांकि तुसीं वीडियो नूं अगे पिछे कर सकते हो अपने मुताबक पर उत्थे भी नाल नाल चलना बहुत इहनूं सिंक्रोनाइजेशन कहिंदे आ सिंह ए सिंक्रोनाइजेशन के तुसी तेज चल रहे हो बच्चे पिछे रह गए कहानी खत्म सो स्लो ने इस नूं बिल्कुल कर दिता दूसरा सम एक्स्ट्रा गाइडेंस टू ब्राइट पीपल उन्हां दा भी ख्याल रखना है सारे साडे है सरबत दे भले वालियां गल्लां करनियां और कुछ नहीं है इनकलूसिव एजुकेशन कीप योर स्पीड टीचिंग फास्ट नो नो सो दैट कॉम्प्रीहेंसिव लैवल मे बी इनक्रीज इदा नहीं हुंदा हुंदा बिल्कुल गलत अनसाइकोलॉजिकल है ये दो रिजेक्ट हो गए हैं ये बेस्ट बन रहा है कीप योर टीचिंग स्लो कीप योर टीचिंग अपने अध्यापन हौली रखो देखो हौली रखो इतने भी आया उत्थे भी आया पर उत्थे नाल एक्स्ट्रा गाइडेंस भी है इत्थे तुसी जिहड़े ब्राइट बच्चे सी उन्हां दा ध्यान नहीं रख्या दैट इज़ वाई इनू नहीं ऑप्ट करांगे बी नू ऑप्ट करांगे फॉर मेनटेनिंग इफेक्टिव डिसिपलिन इन क्लास द टीचर शुड अलाउ स्टूडेंट टू डू वट दे लाइक देखो जो कर रहे हैं करन दे इत मीन न्यूट्रल हो गए कुछ नहीं कर रहे अपनी ड्यूटी नहीं समझ रहे ये गलत है विद्यार्थियों को करन दो जो करना चाहते हैं वो तो नैगेटिव करेंगे माइंड है इड है इमोरल कराएगी उन्हां नाल सख्ती असख्ती वाला स्ट्रिक्ट हो जो वो नहीं फ्रीडम है अंडरस्टैंडिंग है डेमोक्रेसी है अपनी परसनल लाइफ भी उन्हें हर किसी ने जीनी है तुसी भी जीनी है तुसी तुहाडे चो पहला तुहानू कढ़ो तुसी तुहानू समझो तुसी तुहाडे लई सब तो इंपॉर्टेंट हो इहदा मतलब ये नहीं है कि बाकी सब कुछ हो गया पहला आप का पावर लै लो फिर किसी नू तुसी दे सकदे हो विद्यार्थियों नू किसी समस्या नू हल करन लई दे दियो यार ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है कंस्ट्रक्टिविज्म यही कहेगा उन्हां नाल निम्रता प्रॉब्लम की सी मेंटिंग ने इफेक्टिव डिसिप्लिन क्लास टीचर शुड निम्रता इत्थे दृढ़ता ओके फ्रिमता देखो मैं जे होवां तां मैं इदां दीआं इंट्रस्टिंग प्रॉब्लम उन्हां नूं सॉल्व करन लई दवां उन्हां दे मतलब दीआं उन्हां दे लाइफ च कम आण जे प्रॉब्लम इदां दीआं मैं इस नूं राइट आंसर लवांगा पर इदां दा कुछ नहीं दित्ता गया उन्हां वल्लों भी राइट आंसर ये चुनिया गया है दैट इज़ वाई मैं हुण इहनूं सुजैसट कर रहा हाँ दोनों बहुत नज़दीक ने राइट दे पर कंस्ट्रक्टिव अप्रोच राही प्रॉब्लम सॉल्विंग है तो डिसिप्लिन खुद ब खुद हो जाता है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच वैन सम स्टूडेंट्स आर डेलीबरेटली अटैम्पटिव टू डिस्टर्ब द डिसिप्लिन ऑफ क्लास बाय मेकिंग मिसचीफ वट विल बी योर रोल एज टीचर अगले वीडियो डिसिप्लिन मैं काफ़ी पाए हुए हैं प्रैक्टिस सैट के है ना जो कुछ विद्यार्थी जानबूझ के शरारत करते हैं तो क्लास का अनुशासन भंग करने की कोशिश करते हैं तो एक अध्यापक वजो तुम की भूमिका निभाओगे निभाओगे उन्होंने विद्यार्थियों बाहर कढ़िया जाएगा देखो किसी एक्सपैल करना नहीं है कारण जानने हैं उन्होंने शांत करना है एक्टिविटी देनी है पॉजिटिव कुछ करना है ये बाहर कढ़ना नैगेटिव हो गया बाहर तो कढ़ना ही नहीं ना उन्होंने आत्म निरीक्षण का अवसर दोगे उन्होंने व्यवहार में सुधार करने सौखा काम नहीं है आत्म निरीक्षण इंट्रोस्पैक्शन चलो मैं क्लास उस गया मैं की करूँगा
चलो बेटा अखां बंद करो एक मिनट ली, बहुत वधिया शरारतां बहुत अच्छियां कर रहे सी पर थोड़ा नुकसान हो गया यार। अच्छा ये देखो कि मैं इदा क्यों कर रहा सी, मैं जिहड़े एक्शन कीते सब ने अपना अपना सोचना है, अखां बंद है, मैं जो कर रहा सी इहदे विच मैं कोई गलत जां किसे दा नुकसान कीता इस एक्शन विच, जे कीता तां मैं मन च सोच रहा, तो जे मैं जो अगली बार शरारतां जां इंजॉय करना है तो मैं वह नहीं करांगा, ये अपने आप नूं जे समझ आ रही है तो अपने आप नूं सुजैशन दे इस तरह हो सकता है, पॉसिबल है ना, तो इदा उन्होंने व्यवहार में सुधारे जाए। रिफॉर्म द ग्रुप विद योर अथॉरिटी, अथॉरिटी ने थोड़ा जा करता, मैं इतने पिछले विच अथॉरिटी नहीं बनिया यार, मैं तुहानू कहा है तुसी इदा है ना डोमीनेट नहीं करना, सो आइसोलेट हाई विचारियां कल्ले कर देना, क्यों करना है नहीं करना आप कल्ले, ये भी कल्ले छड़ रहे हो च क्लास चो कड़ रहे हैं, ये नैगेटिव है ऐ सब, नैगेटिव नहीं अपलाई करना, पॉजिटिव आ वाला है, इंट्रोस्पैक्शन वाला साइकोलॉजिकल है, इसनों अपलाई करेंगे। राइट आंसर है बी, विच वन ऑफ द फॉलोविंग इज कंसिडर ए साइन मोटिवेटेड टीचिंग, कहड़ी होंगी है मोटिवेटेड स्टूडेंट आस्किंग द क्वेश्चन, वेरी गुड, आस्किंग जड़ा है ना, आस्किंग क्वेश्चन ये बहुत वड्डी चीज़ है, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट जड़ा है आस्क क्वेश्चन उदों ही है जदों वो थिंक रहा है, थिंक रहा है, थिंकिंग है, थिंकिंग ही गुड क्वेश्चन टीचिंग दी निशानी है। अच्छा क्वेश्चन दो तरह के भी हो सकते, किसी को नीवा साबित करने लिए हो सकते, पर इतने उदा तो कुछ नहीं लिखा गया, आस्किंग क्वेश्चन है बेस्ट चल रही है हजे तक। मैक्सीम अटेंडेंस, शरीर आके तुहाडे कोल बैठ जाओ तो की लैना है, इतने शरीर नहीं बैठा, इतने उसका दिमाग आके तुहाडे कोल बैठा है तो तुहानू सुन रहा है। पिन ड्रॉप साइलेंस, डर के भी बैठे हो सकते, सानू की पता किस तरह बैठे हुए ने, पिन ड्रॉप साइलेंस, साइलेंस नहीं होनी चाहिए, बच्चे एक्टिव चाहिए है, आवाज़ आनी चाहिए है, मैं तो इसके वैसे भी खिलाफ हाँ। स्टूडेंट्स टेकिंग नोट्स, लो जी वन वे प्रोसैस, मल्टीमीडिया पढ़ते हो ना, एक है सिंगल मीडिया, यूनीमीडिया जो टैक्सट बुक है यूनीमीडिया है, बोर्ड पर लिखा उन्होंने पढ़ रहे यूनीमीडिया है, नोट्स लै रहे हो यूनीमीडिया है, अज मल्टीमीडिया का युग है, एक तो वध, फॉर एग्जाम्पल मैं डायग्राम बना रहा, मैं टैक्सट दिती है, मैं कितने इमेज एन ई पी की दिखाई है, कितने मूवी भी दिखाना हाँ है ना, कई मूवी दिखा नहीं सकता, सो मल्टीमीडिया, सो ये भी रिजेक्ट हो रहा है। नैक्सट चलते हाँ, राइट आंसर है आस्किंग क्वेश्चन, ये तो बड़ा ट्रडिशनल पुराना क्वेश्चन है जोड़ा आई जा रहा है, ये डायग्राम स्पीक्स मोर दैन 100 वर्ड्स, केंद्र कोई डायग्राम बनाया जिदा इतने मैं बनाता से ना, इदा फॉर एग्जाम्पल कि डायग्राम बनाना, ये जी टीचर है जी, ये स्टूडेंट्स है, तो ये एरो बनाता कि वन वे प्रोसैस है, ये लैक्चर मैथड है, ये लैक्चर ये गुड नहीं है, दूसरा डिस्कशन चल रही है दो जनिया के बीच, तीन जनिया के बीच, ये इन्ना टाक कर रहा, इधर एरो करता, इधर एरो करता है ना, ये ज़्यादा केंद्र समझ आती है, ये गल कह रहे हैं। डायग्राम स्पीक्स मोर दैन 100 वर्ड्स, द स्टेटमेंट मीनस दैट टीचर शुड यूज डायग्राम इन टीचिंग, जो स्टेटमेंट है तो ये बन गया मुहावरे वागू, ईडीएम वागू, कि वे अर्थ हो गए, लिटरेरी सिर्फ डायग्राम तो यूज़ करने चाहिए हैं, मैं छोटा टिकता ला लिया, लेकिन इस तो वधिया है यूज़ टीचिंग एड्स, डायग्राम के नाल पिक्चर दिखण वाली चीज़ा मूवी वह भी यूज़ करनिया चाहिए, यस ये कॉम्प्रीहेंसिव बनता है। दूजा टीचिंग एड्स, स्पीक मोर एंड मोर इन क्लास, नहीं वन वे प्रोसैस, मल्टी मीडिया नहीं यूनीमीडिया है, नॉट स्पीक टू मच इन क्लास, दोनों ही एक्सैसिव स्टेटमेंट है, इन्हों कट दो, ये दो अच्छिया है, इन दे विच फस सकते हो, लेकिन कॉम्प्रीहेंसिव वाले नू चूज़ कर लो, वड्डी वाली नू, व्यापक वाली नू, ज़्यादा जाने का भला जिस नाल हो रहा है उसनू चूज़ कर लो। कस्तूरबा गांधी विद्यालय स्कीम इज रिलेटेड विद, कस्तूरबा गांधी सबसे पहले तो चलो ये गर्ल्स का नाम, क्योंकि कस्तूरबा गांधी फीमेल आपको पता ही है, गर्ल्स के लिए ये स्कीम है जहाँ पर रिमोट एरिया में गर्ल्स के लिए का लिटरेसी लेवल बहुत ज़्यादा, नेशनल लिटरेसी लेवल से बहुत ज़्यादा कम था, तो वहाँ पर रेजिडेंशियल स्कूल खोले गए जिनका नाम कस्तूरबा गांधी विद्यालय स्कीम रखा गया, तो ये स्कीम पर अलग से वीडियो कंप्लीट मिल जाएगा, 10-15 क्वेश्चन देखने होते हैं फिर पूरी स्कीम समझ आती है, आपको 20 क्वेश्चन उसमें मिलेंगे, तो ये सेकेंडरी एजुकेशन तक है ये स्कीम। नेक्स्ट है फर्स्ट सेंटर टू यूज़ कंप्यूटर इन द लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन एक्टिविटी इन इंडिया, तो यहाँ पर अगर हमारा ये तुक्का नहीं लगता, कोई दिखाई नहीं देता, तो आप टोटल इंफॉर्मेशन एक्टिविटी ये मेन बन रहा है, एक कंप्यूटर हो सकता है मेन है ना, लाइब्रेरी है, इससे रिलेटेड अगर तो आपको पता है ठीक है, अदरवाइज
जो मैं, क्योंकि मैं नेशनल डॉक्यूमेंट नॉस डॉक दिल्ली में जब मेरी पीएचडी करा था तो वहाँ विजिट किया था, तब का याद है। इसका मतलब डॉक्यूमेंटेशन सेंटर ही होता है, डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। तो इन दोनों में से ही एक होगा, ये दोनों रिजेक्ट किए जाते हैं। तो असल में आंसर भी ये है, आप इंफॉर्मेशन से भी यहाँ ले जा सकते हो, लेकिन IN से इंडियन है, इंडियन साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। ये भी क्वेश्चन UGC से उठाया गया है। वर्ड लाइब्रेरी इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेटिन वर्ड से लिबर, रिजेक्ट कर सकते हैं आप दूसरे वर्ड को देख के, क्योंकि एग्जैक्ट सेम से लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से नहीं बन रहा लिबर, हाँ ये बन रहा है भी ये, लेकिन ये ग्रीक है, ये लेटिन है, यही दोनों में फर्क है, है ना। लेटिंग लिब ये वीक कमजोर है, ये दो जो है गुड ऑप्शन है जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, लेटिन और ग्रीक। ये याद रखने वाली बात है कि ज्यादा शब्द जो हैं लेटिन ही होते हैं, ये बाद में बात करेंगे किसी। वेयर इज द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया सिचुएशन, गोवा में तो नहीं हो सकती, तुक्का लगा रहा हूँ अब, है ना, मुंबई में नहीं दिखाई दे रही, कोलकाता या दिल्ली में होगी, कोलकाता लगा देते हैं भाई। राइट आंसर 48 है, स्कूल इज द प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ, स्कूल डैश दी एक प्राइमरी संस्था है। हम देखो स्कूल से इदा दे काम करते हैं, रिलीजन स्कूल का काम है नहीं है, जुविनाइल नाबालिक जस्टिस लिए है नहीं, मिलिटेरियाइजेशन, मिलिटेरियाइजेशन फौजीकरण बिल्कुल नॉनसेंस ऑप्शन ने, दैट इज वाई ये सब तो सौखा सवाल, ईजीएसट सवाल सोशलाइजेशन है, समाजीकरण है, किदा समाज स्कूल दे नियमां नू इंटरनलाइज अंदर ढालना है, वो स्कूल कम करता है, सोशल एम है। RTE एक्ट वॉज इंप्लीमेंटेड इन इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम, हमने पिछे असी करके भी आए हाँ कि 2009 विच एक्ट बनया है, 1 अप्रैल 2009 विच, ते हुन 8 विच अप्लाई थोड़ी होएगा, गलत हो गया ना, इस तो बाद ही होएगा, 2010 विच होएगा, हुन महीना है कि मई या अप्रैल, अपना RTE एक्ट इदा याद रख सकते हाँ, RTE एक्ट, एक्ट APRIL अप्रैल, ये याद रखने का तरीका के दोवें मैच करते हैं, RTE एक्ट 2009 ओके च बनिया, ते 10 विच ए अप्रैल विच अप्लाई होया, ए सौखा तरीका हो सकता है। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड द ट्रू इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट इज पॉसिबल, विद्यार्थियों की सही मूलांकन हेठ लिखे विचों किस ढंग नाल संभव है, कोर्स के अंत विच मूलांकन, कोर्स के अंत विच जेड़ा मुका आ एंड है जे अंत विच ही करना, विच सारा साल 6 महीने बच्चे ने किद की कीता की नहीं कीता उहदी कोई वैल्यू नहीं है, एंड विच इस नूं कहिंदे आ समेटिव, समेटिव इवैल्यूएशन। सो इस नूं ए जिहड़ी है ये थ्रैटनिंग चिंता देने वाली होंदी है, टेंशन बनाने वाली होंदी है, दैट इज़ वाई इस ते रिजैक्शन ज़्यादा लगती है। इवैल्यूएशन ट्वाइस इन ए ईयर, सिर्फ 2 बार सेमेस्टर सिस्टम हो गया, फर्क नहीं हो गया रहा, वो भी समेटिव इवैल्यूएशन ही है, टर्म नू 2 हिस्सों च, साल नू 2 हिस्सों च बन लिया। कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन, यस, रोज़ हर रोज़ हर रोज़ हर रोज़ हर रोज़, कदे क्विज लेंदे हैं, कदे ऑब्जर्व करते हैं, कदे छोटे छोटे टेस्ट देने हैं, किसी का बिहेवियर ऑब्जर्व किया जाता है। सो ये टर्म याद रखनी है, कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन, हर बार इतने क्वेश्चन आता है, इस दा इंपॉर्टेंट पार्ट, कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन दा इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। इत्थे तुसी कंफ्यूज हो सकते हो, पर ये देखना है कि दोनों विचों ब्रॉडर किड़ा है। हुण इत्थे मैं लिखन लगा हाँ कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस है ना, स्पेलिंग गलत मेरे हो सकते हैं, कंटीन्यूअस मीन रोज कर रहे हैं, हाँ रोज़ हर रोज़, बच्चे नू देखिया तुसी ऑब्जर्व किया,
ठीक है, तो दूसरा ये जी होएगी ज्यादा क्यू एल पाया क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन होएगी, जी एंड ते समेटिव होंगी क्वांटिटेटिव होंगी है। क्वालिटेटिव मतलब कि बच्चा टीचर कमेंट करके दसदा है कि अज बच्चे ने मैथ दे आ वाले सवाल बड़े ही नवे तरीके नाल बड़ी जल्दी हल कर ले, अज बच्चे ने इस तरह किया। एनेकडोटल क्वालि स्टेटमेंट च लिखा जाता, नंबर च नहीं लिखा जाता। सो वो जिहड़ियां स्टेटमेंट क्वालिटेटिव होंदियां वो की बनदियां हन, फीडबैक, फीडबैक और फीडबैक ही मेन जिहड़ा इत्थे काम शुरू हुंदा है, यही फॉर्मेटिव असैसमेंट है। फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव नू एफ नाल जानबुझ के जोड़ रहा हाँ। इस फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कंटीन्यूअस ही हुंदी है और ये छोटे छोटे टुकड़ियां विच हुंदी है। इस तों बाद फीडबैक दित्ती जांदी है तां जो बच्चा उहदियां वीकनेस ने नैगेटिवस ने उहनां नू इंप्रूव, इंप्रूव। तीन शब्द बहुत ज़्यादा रिपीट होएंगे फॉर्मेटिव दे नाल, फीडबैक है ना, इंप्रूव ते पी तो प्रोग्रेस, प्रो इत्थे लिखिया नहीं जाना, प्रोग्रेस उहदी बच्चे की प्रोग्रेस देखनी है, थोड़ी प्रोग्रेस, थोड़ी प्रोग्रेस किन्नी हुई, कितने वीक रह रहा उन्हों चेंज करना। सो ये तो बड़ी वधिया गल है, तुसी चाह पींदे हो, चाह पींदे होए तुसी कहिंदे हो कि थोड़ा जिहा चम्मच फड़ के पी के मिठा नम 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 आए मिठा घट है थोड़ा होर पा दीए। हुण तुसीं की कर रहे हैं कि उस वक्त तुसीं सर्व नहीं कीती चाह, जे चाह तुसीं सर्व करती मेहमानां दे अग्गे लै गए तो हुण तुसीं मिठा चैक नहीं कर सकते, हुण गई। वो जिहड़ा सर्व कर दित्ती है वो है समेटिव एवैल्यूएशन, सर्व कर दित्ती समेटिव एवैल्यूएशन। हुण बच्चा पूरा है, टेस्ट फाइनल हो गया, बी एड एंट्रेंस टेस्ट है, UGC नैट है, बस हुण नहीं चेंज दे मौके नहीं मिलने। फॉर्मेटिव दे विच तुसीं हजे चाह बना रहे हो, तुसीं उहदे विच ही चम्मच थोड़ा जिहा कढ के चाह का सैंपल लैके उसनू चैक किया, पत्ती ठीक है, चाह ठीक है, लैची ठीक है, जे नहीं ठीक तो वह वधा घटा दिता, हुण चेंज कर सकते हैं। वह वधा घटा सकना जिहड़ा है टेंशन रिड्यूस कर दिंदा है लर्नर दी नू। सो चाह की जगह पर लर्निंग नू अप्लाई कर देना है। सो राइट आंसर इतने बेस्ट आंसर कंटीन्यूअस है, हाँ ये भी उहदा पार्ट है, दैट इज़ वाई सी नू चुनते हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड अचीवमेंट टैसट, अचीवमेंट टैसट कुछ नहीं है। अचीवमेंट का मतलब पहले तो समझ लो जो तुसी टीच किया है, टीच किया है, नंबर एक वो टीचिंग की किया है, कुछ कंटेंट टॉपिक किया है ना, उस कंटेंट के बेस से, उस कंटेंट के बेस से कुछ क्वेश्चनस बनाए हैं, क्वेश्चनस ठीक है, वो क्वेश्चन की लिस्ट जी है वो थोड़ा अचीवमेंट टैसट है। सो जे वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप है, जिदा ए वाले ऑब्जेक्टिव टाइप है, MCQ है, ट्रू फॉल्स है, मैचिंग टाइप है, तो फिर वो जड़ा है बैटर इवैल्यूएशन हो जाती है क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी उस वध होंदी है। हुण वो रिलायबल चाहिए, भरोसेयोगता, वो पता की होंगी भरोसेयोगता, अज तुसी टैसट लगाया, उधर जाके दसा थोड़ा वधिया हो जाएगा, इत्थे ले आके दसदा हाँ, ये अज तुसी टैसट लगाया, ये पूछा जा सकता है, क्वेश्चन अगे तो भी पूछा जा सकता है। इसका टैसट नूं तां आपां आसरा लै रहे हैं लेकिन लर्नर दा नवें कंसैप्ट करने हैं। ये अचीवमेंट टैसट है, ACH टैसट अज लाया, ओके ये अज लाया, टूडे 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 लाया, ओके हाँ। तो बच्चे ने बच्चे का क्लास का मीन स्कोर आया 40 मान लो, ओके, तो हफ्ते बाद टैसट लगाया तुसी उहो ही, तो उहदा स्कोर आया 41 मीन स्कोर। तो दूसरा एक आफ्टर 2 वीक लग दिंदे आ, 2 वीक आफ्टर 2 वीक वीक एक टीचर होर ने भी टैसट बनाया सी, उसने भी उस तरह के क्वेश्चन वगैरह वगैरह रखे, होर तरह के क्वेश्चन बनाए, उन्हें नंबर ही रखे, वह पहली बार तो हाँ 40 आया। जो तो 2 हफ्ते बाद लाया वो टैसट तो उसके स्कोर बच्चों का मीन स्कोर आ गया 55। इट मीनस इचो स्टेबल केड़ा स्कोर दस रहा है ज़्यादा, के ए इतने 2 वीक की जगह तुम 1 वीक भी ला सकते हो, 1 वीक एनी लर्निंग नहीं हो जानी, जिहड़ा रिपीट कीतियां ते लगभग सिमिलर स्कोर ही दवे, इसनों स्टेबिलिटी कहिंदे आ, स्टेबिलिटी बिलिटी जां कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर उसनों कहिंदे रिलायबिलिटी। सो जरूर होना चाहिदा है, रिलायबल जरूर होना चाहिदा है। अच्छा ऑब्जेक्टिव होना चाहिदा है, ऑब्जेक्टिव है मतलब कि एक टीचर चैक करता है, फॉर एग्जाम्पल ए टीचर है ना, तो ये इस बच्चे नूं घट लाइक करता है, तो जो इन्हू घट लाइक करता है, इन्हें जो ऐसे लिखिया सी 8 मार्क्स बनते, वैसे इन्हें 6 लगाते, इट मीनस
ऑब्जेक्टिविटी बायसनैस है ना। ये बच्चा इन्हों जिहड़ा वाइट वाला है ये अच्छा लगता सी, आ वाला इन्हों इन्होंने अखा ते चढ़ा के रखा है, ये छे बंदे सी इन्हों अठ मार्क्स दे दते। सो सबजैक्टिविटी है, वैसे भी बायसनैस नहीं है, उन्होंने लगता है कि यह कंटेंट लिखा है ये मैनू वधिया लगा मैं इन्हों अठ दे दते, ये मैनू वधिया नहीं लगा मैं छे दे दते। बच्चा कहता है मैं ठीक। सो सबजैक्टिविटी है कि स्कोर जिहड़े है तुहाडियां फीलिंग्स उन्हों इनफ्लुएंस कर सकदियां, उत्थे की है ऑब्जेक्टिविटी नहीं है सबजैक्टिविटी है। सो ऑब्जेक्टिविटी चाहिए है ये गुड है। सो दो करैक्टरिस्टिक्स जरूर चाहिए हैं, रिलायबिलिटी भी ये भी वैलिडिटी। जो टेस्ट मैयर कर रहा है सारिया क्वेश्चंस आइटम वो रिलेटेड ही है। फॉर एग्जाम्पल अचीवमेंट टेस्ट है तो कि मैं इंटरेस्ट दियाँ इंटेलीजेंस दियाँ जां एप्टीट्यूड टेस्ट दियाँ आइटम तो नहीं विच पा दतियाँ। सो ये वैलिडिटी है। सो ये तीन जरूर चाहिए ने रिलायबिलिटी एम्बीगुइटी वेगनेस है ना। इत्थे जाओ अस्पष्टता, हाय रब्बा स्पष्टता चाहिए है जिंदगी च भी रिश्तिया च भी टेस्ट च भी। स्पष्ट रहना है, स्पष्ट ता ही रहोगे जो अंदर उत्थों साफ रोज़ अपने आप नूं करोगे, रोज़ अपने आप चों जिहड़ा कचरा है कढ़दे रहोगे। कचरा पाई जाने असीं सोचां दा कचरा रिश्तियां दा कचरा। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एजर्ट्स UGC नैट दा क्वेश्चन है, मैं UGC जिच जिहड़े जिहड़ी सीरीज़ पाई है प्रैक्टिस सैट दी सॉरी हाँ UGC सैट की सीरीज़ पाई है वो भी क्वेश्चन के बच्चे बाय चांस देखो आया हुआ एग्जैक्ट यही उतों चक्या हुआ किन्ने क्वेश्चन UGC चके हुए हैं। दैट इज़ वाई जेडे मैं वो वीडियो पा रहा है नीचे लिंक दे दाँगा वो एक झाती उन्होंने मार जाओ सच्ची कह रहा है। उत्ते होर वीडियो बनाई चाहिए सी लेकिन मैं बनाइया नहीं क्योंकि इंट्रस्ट मैं लगा थोड़ा घट है। डायग्नोस्टिक टेस्ट अजर्ट स्टूडेंट परफॉर्मेंस एट द बिगनिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन ये डिस्कस होया है। बिगनिंग वैसे बिगनिंग विच ही हुंदा है यस। परफॉर्मेंस ये स्टूडेंट परफॉर्मेंस है याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। परफॉर्मेंस नॉर्मली टोटल हुंदी है टोटल और टोटल जेड़ी चीज़ है वो सम हो गई वो सम्मेटिव हो गई सम्मेटिव वो डायग्नोस्टिक नहीं रहेगी। जेड़ी डायग्नोस्टिक है कि ईशान रीडिंग भी है राइटिंग भी है अर्थमैटिक भी है सिर्फ रीडिंग चक्की असी तो वह देखी है ना स्पैसीफिक होएगी। अच्छा लर्निंग प्रोग्रेस एंड फेलियर ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस मैं हूँ ही दस के आया हाँ की हुंदा है इतने फॉर्मेटिव एवैल्यूएशन है ना। प्रोग्रेस की है फॉर्मेटिव एवैल्यूएशन प्रोग्रेस ते फेलियर पॉजिटिव ते नैगेटिव फीडबैक है ना ये फॉर्मेटिव एवैल्यूएशन दिंदी है। नाले ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन है इतने भी भुलेखा नहीं खाना इनू जरूर पढ़ना है भी देखो मैं हूँ पढ़िया है UGC वाले इन्ने वधिया क्वेश्चन बना सकते हैं। डिग्री ऑफ अचीवमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन एट द एंड ये भी सबमेटिव बन गया परफॉर्मेंस करके सबमेटिव है। जे परफॉर्मेंस ना हों बिगनिंग हों डायग्नोस्टिक बन रहा है क्योंकि नॉर्मली डायग्नोस्टिक शुरू में होंगी है तो ड्यूरिंग होंगी है दोनों टाइम पर ओके। हुण है कॉजेज नंबर एक देखो सब तो जरूरी रीजन कॉज बच्चा टीचिंग पोटेंशियल का सेंट्रल आइडिया लै लो टीचिंग का लै लो। बच्चा जो भी कर रहा है बच्चा शरारत कर रहा बच्चा रोंग कर रहा तो उन्हें लगता है पहला आइडेंटिफाई तो कर लो यार वो पिछे कारण की है। मैं थोड़ी जी वो देखी सी चंगेज़ खान अज तक वर्ल्ड च सब तो वध हत्यावां कीतियां गईयां के, 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 के किस राजे ने कीतियां चंगेज़ खान ने। हिटलर बहुत पिछे है किने दो करोड़ मैनू ये नहीं पता खैर वो इन्नी जगह जाके मैं डिस्कवरी सुनिया सी और उत्थे औरतां दी बेइज्जती भी करदा सी ते अज 200 पिछे एक शख्स विच चंगेज़ खान दे जीन DNA पाए जा रहे हैं। सो उन्हें इनिया हत्यावां क्यों कीतियां उस डिस्कवरी थोड़ा जिहा दस्सिया सी कि उस नाल कोई इनजस्टिस उस दे परिवार जां उस नाल मैनू कुछ भी नहीं पता। मैनू ये पता है कि जदों कोई नैगेटिव हुंदा है उहदे पिछे कॉज कोई हुंदा है वैसे कोई नहीं करदा कारण है वो कारण अनकॉन्शियस भी हो सकता है। मैं इनिया काउंसलिंग कीतियां कर भी रहा हाँ कारण मैनू पता है कि यार ये पिछे कोई कारण होएगा कारण लभदा है सॉल्व होए है मेरे स्टूडेंट्स नू मिलोगे तो शायद सचमुच मतलब वो हुंदा है ये समझना है कॉज लभना है ना। सो एक क्रिटिकल थिंकिंग वाला एक तरह बनता है वो ब्रेन है तो तुसी जो बच्चा कर रहा है सीधा शक नहीं करना है ना कॉज लभना है कॉज लभ के उदियाँ एरर लभ के रेमेडियल रेमेडीज़ दूर किदा करना है
परसिस्टेंट हिदायतों दौरान लगातार, आ देखो लगातार एक एक शब्द चुन के पाया गया, दूसरा लर्निंग, तीसरा प्रॉब्लम, चौथा ड्यूरिंग, पंजवा इंस्ट्रक्शन। तुसी किसे भी एक शब्द नू रद्द नहीं कर सकते, एक भी समस्यावां दा पूरा फोकस होना चाहिए साडे कारण ते, है ना, उहदी रिमीडियल उपचार ते, है ना, टीचिंग हिंस्ट नू हिदायत कहिंदे है दौरान। यह बेस्ट, मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है कि यह राइट आंसर ना हो, कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये पॉइंट पॉइंट वाले पॉजिटिव है, लेकिन ये वीक बनदियां हैं, ये 100% तो भी उत्ते जा रहा है, क्योंकि हर शब्द जिहड़ा है, जिसने भी क्वेश्चन बनाया बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाया है। 54th है, ऑडियो विजुअल एड हेल्प द टीचर इन क्रिएटिंग रैपो विद अदर टीचर्स। यार क्लास है, ये देखो आ क्लास है, ते क्लास या बच्चा आया ते रैपो दूजे टीचर नाल, इन्ना कितों एस्टैबलिश होगी? नो। पासिंग टाइम क्विकली, नैरो मीनिंग, तुसीं टाइम पास करन लई नहीं असीं जाने, असीं टीच करन लई, लर्न करन लई, लर्न करवाउण लई जाने हन। मेनटेनिंग द इंट्रस्ट, वेरी गुड, इंट्रस्ट, क्रियोसिटी, अटेंशन, ये शब्द अटेंशन आ गया, ऑफ स्टूडेंट इन क्लासरूम एक्टिविटी, यस दिस इज़ वेरी गुड, तीन टिक दिते इन्होंने। मेकिंग स्टूडेंट ऑक्यूपाइड विद सम वर्क, देखो जे परपजफुल है ये भी अच्छी गल है, एक टिक इनू भी दिना, पर असी सी नू चुनांगे, उहदे नाल कॉम्प्रीहेंसिव ज़्यादा काम हो रहा है, है ना। इंस्टीट्यूशन रिस्पोंसिबल फॉर फ्रेमिंग द नैशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इन्नी बार इन्ने वीडियो च रिपीट किया है, टैक्सट बुक NCERT, करिकुलम NCERT, सो डाइट टीचर एजुकेशन ये कम NCERT, सो ये बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। द टर्म सोशल स्ट्रक्चर मीन्स द सोसाइटी, ये इरेलीवेंट, ये नॉट वैलिड क्वेश्चन है, पर इदा के क्वेश्चन नहीं आते होंगे। सोशल स्ट्रक्चर का मतलब की है सोसाइटी, ये कंक्रीट स्ट्रक्चर, देखो नैरो वालिया उड़ाई जो, इज स्ट्रक्चर्ड एवं है, इज कैप्चर्ड, है ना, इज स्टैटिफाइड, इज स्टैटिफाइड मीन कि जी सोसाइटी है, एस फॉर सोसाइटी, ये क्लासीफाइड है, क्लासीफाइड है ना, हरारकी बनी हुई है, इदा हरारकी बनी हुई है, लोअर लोग ने, उत्तों ने, उत्ते ने, तुसी अपने स्कूल च ही देख लो, स्टैटिफिकेशन नहीं है, लोअर लैवल ते तुसी मान लो स्टूडेंट्स आ गए, है ना, सब तो ज़्यादा होणगे, फिर उस ते टीचर आ गए, है ना, फिर हैड ऑफ द टीचर आ गए, फिर मैनेजमेंट आ गई, है ना, फिर DEO आ गया, सो हरारकी बनी है ना, सो ये स्टैटिफिकेशन है, सोसाइटी भी इस तरह है, तुहाडा परिवार भी स्ट्रैटिफिकेशन है, किसी को ज़्यादा पावर है, किसी को घट पावर है। एजुकेशन कमीशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया विच फोकस ऑन सैकेंडरी एजुकेशन इज चेयर्ड बाय, बड़ी देर तो पुरातन काल तो चले आ रहे हैं ये क्वेश्चन, मतलब वेरी ज़्यादा मीनिंग मैंने तो लगा नहीं इन्हों विच कदे, मुदालियर। ओके, जिहड़ा है, वैन द यूनियन कैबिनेट डिड अप्रूव द नैशनल एजुकेशन पॉलिसी, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, 29 जुलाई 2020 नू, है ना, वाला वेरी कॉमन क्वेश्चन है। वट वुड बी योर अप्रोच इफ स्टूडेंट इंटरप्ट योर क्लास, यस आ गल बनी, यू विल आस्क हिम टू लीव द क्लास, आ देखो लीव कराता बाहर कर दिता, चल काका बाहर हो जा, इहदा मतलब मैं कायर मैं संभाल नहीं सकता मैं, है ना, नो नैगेटिव एक्शन नहीं लेना। यू विल असैस द रीजन, आया रीजन, कला एक शब्द, एको शब्द टिक लगवा गया। You will ask him to behave properly. ये direction है, yes, one way process. वो पहला कारण देखा है, उन्हें गलती की थी, उन्हें गलत होया है, चलो बेटा हाँ गलत होया है, हुण पर आपा की करना, फिर काउंसलिंग है, फिर वो खुद अपने विचार चेंज करता है, ये है। दूजा विचार तुहाडे कदे नहीं चेंज कर सकता, तुहाडे मम्मी पापा तुहानू कहिंदे रहे आ, तुसीं बारों बारों करते रहे हैं, टीचर कहिंदे रहे तुसीं बारों बार करते रहे हैं, पर जो एक्शन तुसीं मनदे हो कि सही है, वो तुसीं दिलों करदे हो। पहला बच्चे नूं इस तरह मनाउणा है, उन्हूं सही ते गलत खुद बनावे, तुसी एनवायरमेंट पे एक्सपीरियंस इदा दे देने हैं। यू विल गिव हिम एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा वर्क मीन यहाँ पर हो गया पनिशमेंट, पनिशमेंट तो देनी ही नहीं है पंजाबी में भी। ओके, मेरे ख्याल क्वेश्चन खत्म हो गया, एक क्वेश्चन है, यू हैव ए क्लास विच इज़ वेरी हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस है भिन्नतावान वाली, हेट्रोजीनियस इन हाइट है, तुहाडे क्लास विच कद दे अनुसार वो विभिन्न ने, मतलब कोई एडा मेरे वर्गा छोटू है, कोई वड्डा है, कोई ज़्यादा वड्डा है, कोई ज़्यादा वड्डा है। होमोजीनियस केड़ी हुंदी है, असी होमोसैक्सुअलिटी हैट्रोसैक्सुअलिटी वरतदे हैं ना,
जिहड़ा सैक्स है लड़की ते लड़का करदे ने हैट्रोसैक्सुअलिटी है, जिहड़ा लड़का लड़का करता है होमोसैक्सुअलिटी है। सेम होमो मीन सेम। सो इत्थे जे सेम हाइट है सारे सेम जेंडर दे क्लास विच वो जेंडर होमोजेनिटी है, तो जे वेरिएशन है कुड़ियां मुंडे बैठे है फिर जेंडर दे बेस ते हैट्रोजेनिटी है, इत्थे हाइट दे बेस ते हैट्रोजेनिटी है, वेरिएशन है। अच्छा तो फिर की करोगे सीटिंग अरेंजमेंट, नैचुरली तुसी आ वाले नूं अगे बिठाओगे, इस तो पिछे ये यार कॉमन जी गल है, रैंडमली जिथे जिन्हें बहना बह जाए ऐदा तो नहीं हो सकता, गलत है। विच इज़ प्योरली बेस्ड ऑन हाइट, की हाइट दे बेस ते अगे होगा की सिस्टम की है। वेयर द स्टूडेंट शॉर्टर इन हाइट आर अलाउड टू सिट सच ए वे दैट दे कैन सीन एंड पार्टिसिपेट ईजीली इन क्लास एक्टिविटी। यस, जिदा ये अरेंज किया गया है, इतें है इसनों बोर्ड दिख जाएगा, इतों दिख रहा है इनू, इतों दिख जाएगा इनू, इतने दिख जाएगा इनू, थिएटर से जिदा बैठे होने, है ना। क्लासरूम पार्टिसिपेशन हो, जिथे मर्जी वो देख रहे हो, विजिबिलिटी हो। दिस इज राइट एंड बेस्ट आंसर, दैट इज टालर स्टूडेंट ऑन वन साइड एंड एक पास व्डे व्डे बह जाओ, एक पास छोटे, नहीं ये ठीक हो सकता है, लेकिन ये परपज़ नहीं दिखाई दिता। इतने की है, ध्यान देखो फर्क की है, दे कैन सी नंबर एक और सेंसेस देख सकन, और पार्टिसिपेट ये शब्द है ईजीली, दिस इज ड्यू टू दिस वर्ड, इस इज बेस्ट आंसर। सो प्रैक्टिस सेट के आधार पर तैयार किए गए ने, प्रैक्टिस सोल्व कर सकते हैं। लिंक का वीडियो है एक, लिंक्स ऑफ रिलेटड वीडियो, लिंक्स ऑफ वीडियो रिलेटड टू बी एड एंट्रेंस टैसट, उदे विच सारे लिंक जिहड़े पिछले सैट ने पिछले ईयर के पेपर ने वो दिते हुए ने, उसनों एक करी सर्च करो, इस दे भी नीचे दिता होएंगे लिंक वाला दिता है, उन्होंने क्लिक करो, उस तो बाद तुसी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुलाइज़।